केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। हिमस्खलन की चपेट में आए 7 जवानों की मौत की पुष्टि, 2 दिन बाद मिले सभी के शव। एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ पहाड़ी इलाके में हुए हिमस्खलन की चपेट में आने से 7 जवानों की मौत हो गई। सेना ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही इन जवानों के बर्फ के नीचे दब जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्हें निकालने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू किए गए, लेकिन बचाव दल को सैनिकों के शव मिले। भारत रत्न लता मंगेशकर पर जारी होगा डाक टिकट, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यह ऐलान किया। इसके लिए कुछ डिजाइन भी प्रपोज किए गए थे, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को हो गया था, उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। अब खबर झारखंड से। झारखंड के साहेबगंज जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित। फाइलेरिया उन्मूलन हेतु चलाया जाएगा ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम। कालाजार उन्मूलन हेतु किया जाएगा IRS छिड़काव। जिले में बृहद पैमाने पर चलाएगा फाइलेरिया एवं कालाजार संदिग्ध मरीजों का खोज अभियान। समंडालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिकित्सा प्रसार पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई थी। देवघर में आज महाशिवरात्रि 2022 के सफल आयोजन को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा, देवतुल्य व श्रद्धालुओं की सुविधा, ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए किए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान पंडा धर्म रक्षणी एवं पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों ने विभिन्न बिंदुओं पर सभी ने अपने अपने सुझाव व जिला प्रशासन को अपना सहयोग करने की बात कही। इसके अलावा बैठक में पेयजल व्यवस्था के अलावा महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के साथ 22 मंदिरों एवं मंदिर के आसपास बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। खबर दुमका की है। 11 माह से नहीं मिला मानदेय, आंदोलन की राह पर पोषण सखी संघ। दुमका में 11 माह से मानदेय नहीं मिलने से झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ आंदोलन की राह पर है। प्रखंड कार्यालय प्रणांग में मंगलवार को प्रदेश उप संरक्षक विद्यासागर मंडल की अध्यक्षता में प्रखंड इकाई रानेश्वर की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संरक्षक विजय कुमार, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य बच्चों मंडल, जिला मीडिया प्रभारी सीजन हेमाराम, जिला अध्यक्ष जमाड़ी मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित ने कहा कि पोषण सखी को 11 महीने से मानदेय नहीं मिला, इसके लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। 10 फरवरी को दुमका में संघ का स्थापना दिवस मनाने पर भी चर्चा होगी। गोड्डा में लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में हाईटेक चिकित्सा व्यवस्था। गोड्डा जिले के पड़ायाहाट रेलवे स्टेशन में आई जीवन रेखा एक्सप्रेस में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सुविधा से लैस ओटी में मेगा हेल्थ कैंप का उद्घाटन डीसी भोर सिंह यादव ने किया। कैंप के लिए निबंधित मरीजों की जांच के लिए चिन्हित स्थल +2 उच्च विद्यालय पड़ायाहाट में आयोजित उद्घाटन समारोह में डीसी ने कहा कि जिले में पहली बार हाईटेक चिकित्सा सुविधा भारत सरकार, भारतीय रेल, आदित्य बिड़ला ग्रुप, झारखंड सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें कैंसर से लेकर आंख व दांतों के परीक्षण व निःशुल्क इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। पाकुड़ में विधायक ने किया 7.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने मंगलवार को प्रखंड में बनने वाले 2 सड़क निर्माण कार्य व प्रखंड परिसर में बनने वाले भवन निर्माण कार्य का आधारशिला रखी। विधायक ने अपने नसीपुर गांव में से लखीजोल होते हुए जय नगरा गांव तक बनने वाली 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। इसके निर्माण में 1,81,164 रुपए खर्च होंगे। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय अभियंता मनोहर कुमार ने बताया कि सड़क में 1200 मीटर कालीकरण तथा
1300 मीटर PCC सड़क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड शिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देगी सरकार। झारखंड की समृद्ध व विविध संस्कृति विरासत को देखने और संजोने का मौका देने में पर्यटन नीति मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए राज्य सरकार एकीकृत आदिवासी परिसर विकसित करेगी, जिसके तहत पर्यटकों को एक ही स्थान पर झारखंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत का दीदार होगा। वही विविध व्यंजनों के रसास्वादन का लुप्त भी मिलेगा। यह कॉकटेल कल्चरल टूरिज्म पर्यटकों को परोसेगा। इस कॉकटेल में स्थानीय नृत्य, गीत और संगीत को भी शोकेस किया जाएगा। दिल्ली से पकनी शुरू हुई झारखंड की राजनीति खिचड़ी। कांग्रेस के बाद भाजपा भी रेस, बुलाई सांसदों की बैठक। झारखंड की राजनीति का केंद्र दिल्ली बना हुआ है। दिल्ली में आज से झारखंड की राजनीति खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। इस खिचड़ी का स्वाद किसे भाएगा और किसे नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि कुछ तो बात है जो झारखंड के महागठबंधन की सरकार की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा की अहम बैठक दिल्ली में हो रही है। वही 18 प्लस वैक्सीनेशन, झारखंड के 10 जिलों में फर्स्ट डोज के लिए टारगेट से ज्यादा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ने कोरोना के कहर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना की चपेट में आने के बाद भी लोगों की स्थिति गंभीर नहीं हुई। झारखंड में 10 जिलों में 18 प्लस उम्र वालों को फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन टारगेट से ज्यादा कर रिकॉर्ड बना दिया गया है, जिसमें खुटी 111% वैक्सीनेशन के साथ टॉप पर है, जबकि दूसरे नंबर पर दुमका और ईस्ट सिंहभूम है। वही 18 प्लस के 96% ने राज्य में फर्स्ट डोज लगवा ली है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।